गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर महेश खड़के आज सभी को आज से जो गणपति उत्सव शुरू हो रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, गणपति बप्पा को बुद्धि का और शक्ति का देवता माना जाता है। गणपति बप्पा के बहुत सारे स्टोरीज से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, गणपति बप्पा का हर एक बॉडी का पार्ट है वो भी हमें कुछ सिखाता है। और आज ये पहले गणपति बप्पा विशेष में आज हम लोग यही देखेंगे कि गणपति बप्पा के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। दोस्तों, गणपति बप्पा की जो जो आंखें हैं वो छोटी है और वो हमें सिखाती है कॉन्सेंट्रेशन करना है। आपके सामने बहुत सारी चीजें होती है हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपकी नजर बहुत सारे जगह पे होती है। लेकिन जो आपको काम करना है उसके ऊपर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेशन करो, तो ही वो काम में आप माहिर हो सकते हो। तो ये हमें कंसंट्रेशन सिखाती है। दूसरी जो चीज है, गणपति बप्पा का जो सिर है वो बहुत बड़ा है और वो हमें सिखाता है थिंक बिग, बड़ा सोचो। हमेशा खुद के लेवल से, खुद के बोला जाता है औकात से बड़ा सोचो। ये हमें क्या करता है, हमें एक विजन देता है कि आप अगर बड़ा सोचोगे तो उसके लिए आप बड़ी मेहनत करोगे, और जितनी आप मेहनत करोगे उतने अच्छे लोग मिलेंगे, और आपको वो लोग और आपकी कड़ी मेहनत, इनके वजह से आपको मिलने वाला सक्सेस भी बहुत बड़ा होगा। तो हमेशा आप, हमें बड़ा सोचना चाहिए खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। तीसरी, गणपति बप्पा के जो कान है, जो दैट वन उसको बोला जाता है लार्ज ईयर, बड़े कान है, और वो हमें सिंबलाइज करता है लिसन मोर, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनो, सुनो समझो, और जो करना है वो खुद का मन का करो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग सुनते हैं समझते नहीं है, उसको बोलते हैं हियरिंग। जो हम लोग सुनते भी है और समझते हैं उसको बोलते हैं लिसनिंग। तो गणपति बप्पा के काम बताते हैं कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, बिकम अ गुड लिसनर। जितना आप लोगों से अच्छी अच्छी बात सुनोगे, कभी कभी लोग न कहते हुए भी बहुत कुछ चीजें कह जाती है, उनके गेस्चर, उनके बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें आप सुनो और समझो, और अकॉर्डिंग टू दैट वन आप रिप्लाई करो। इसके बाद आता है माउथ, स्मॉल माउथ। गणपति बप्पा का जो मुंह है वो छोटा है और हमें बताता है कि कम बोलो, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कभी बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको तभी समझेगा जब आप अच्छा सुनोगे और समझोगे। ये सुनने और समझने के बाद जहां पे जरूरत है उतना ही बोलना है। कुछ लोग बहुत सारी चीजें बोल देते हैं और जिसकी जरूरत नहीं, जब आप बहुत ज्यादा बोलने लगते हो तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। तो जहां पे जरूरत है पॉइंट वाइज स्पेसिफिक बातें करो, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपके शब्द को एक वजन भी आएगा, आपके वर्ड्स को वजन प्राप्त होगा। आगे, गणपति बप्पा को एक दंत कहा जाता है। उनके जो दो दंत है उसमें से एक टूटा हुआ, उसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं वो एक तीर हमें बताता है कि हमेशा आजू बाजू में अच्छी चीजें भी होती रहेगी, बुरी भी होती रहेगी। तो आपको बुरा चीज हुआ उसमें से क्या आप अच्छा ले सकते हो वो आप लो। तो हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग जैसे इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, हमेशा आपके पास बुरी चीजें भी आती रहेगी, अच्छी भी आती रहेगी, उसमें से अच्छा को फिल्टर करो और बुरी चीजों को वहां से निकाल दो। आगे, गणपति बप्पा की जो ट्रंक है, जो सुंड है, वो हमें सिंबलाइज कर बताती है, वो हमें बताती है हाई एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। एफिशिएंसी यानी खुद की क्षमताओं को बढ़ाओ, खुद की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, खुद का नॉलेज अपडेट करो, स्किल अपडेट करो, कड़ी मेहनत करो और टाइम के हिसाब से चेंज हो जाओ, अडेप्टेबिलिटी। और चार्ल्स डार्विन ने भी उसके लॉ में कहा था, द फिटेस्ट ओनली सर्वाइव, जो खुद को बदलते जमाने के साथ बदलेगा वही एक ब्रह्मांड में टिका रहेगा, अदरवाइज उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी ये हमें वो ट्रंक सिखाती है, तो खुद को चेंज करना सीखो। आगे, गणपति बप्पा की जो हाथ है वो हमें ब्लेसिंग्स को सिंबलाइज करती है। हमेशा हमारे आजू बाजू में अच्छे लोग होने चाहिए, हमारे माता पिता हो, हमारे गुरुजन हो, हमारे टीचर हो, हमारे कंसल्टेंट हो, हमारे वेल विशर हो, इनके छत्र छाया में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति, एक पॉजिटिव पावर हमारे पास होती है। और गणपति बप्पा के बहुत सारे स्टोरी से हमें समझ में आया है कि गणपति बप्पा एक बहुत बड़े मातृभक्त और पितृभक्त थे, आज्ञाकारी शिष्य थे। तो हमें भी गणपति बप्पा की तरह होना चाहिए और हमें भी हमेशा ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए। आगे, गणपति बप्पा का जो स्टमक है वो बहुत बड़ा है। लोग बोलते हैं कि गणपति बप्पा को खाना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें खाना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा और बुरा
चीजें हमारे लाइफ में होती है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, और उसका सिंबल वो गणपति बप्पा का बड़ा स्टमक बड़ा पेट है। आपके लाइफ में अच्छी चीजें तो होती ही रहेगी, लोगों के साथ जब अच्छी चीजें होती है उन्हें जब सक्सेस मिलता है तो वो छोटे लोगों को बाकी लोगों को भूल जाते हैं, वो भूलना नहीं है ये गणपति बप्पा बताते हैं। दूसरा, जब आपके साथ बुरी चीजें होगी तो हार भी नहीं मानना है, कड़ी मेहनत करनी है, ये भी गणपति बप्पा का स्टमक हमें बताता है। उसके बाद गणपति बप्पा का जो सवारी है, वाहन है, मूषक, चूहा, हुंदीर, वो सिंबलाइज करता है आपके डिजायर। हमारे लाइफ में बहुत बड़े डिजायर्स होते हैं, लोगों को जितने ज्यादा डिजायर्स होते हैं उससे उनके मन में काम उत्पन्न होता है, वो काम उत्पन्न होने के बाद क्रोध उत्पन्न होता है, और वो क्रोध जब उत्पन्न होता है तो वो विनाश की तरह हमें लेके जाता है। तो गणपति बप्पा का ये चूहा हमें बताता है, और गणपति बप्पा के वो पैर के पास ही हमेशा रहता है, ये हमें सिंबलाइज करता है कि हमारी इच्छा आकांक्षाओं को नीचे रखो, जिसकी जरूरत है उतनी चीजें लो, जरूरत से ज्यादा चीजों के लिए जब आप मेहनत करने लोगोगे तो आप बुरा वर्तन करने लोगोगे, बुरी चीजों के साथ जाओगे, बुरे लोगों के साथ जाओगे, और फिर आपके लाइफ में एक डाउनफॉल शुरू होने का वो सिंबल है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके लिए गणपति बप्पा का ये चूहा जो मूषक है वो बताता है कि हमारे डिजायर्स के ऊपर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। और आखिरी में गणपति बप्पा के जो उनको पसंदीदार चीज है, वो मोदक या उनका जो प्रसादम है, वो भी गणपति बप्पा ने अपने पैर के पास रखा है, और वो ये सिंबलाइज करता है जब आप कोई बड़े चीज सोचोगे, उसके ऊपर फोकस करोगे, ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, कम बात करोगे, आप समय के हिसाब से चेंज होगे, आपके पास प्रोडक्टिविटी आएगी, आपके आजू बाजू में अच्छे लोग होंगे, उसके बाद अच्छी, जब आप कोई काम करते हो तो अच्छी बुरी चीजें आती रहती है, उसको आप डाइजेस्ट करोगे, आपके डिजायर के ऊपर आपको ऊपर कंट्रोल रहेगा तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दुनिया भर की खुशियां, दुनिया भर का सक्सेस आपके कदम आपके पैर छूमेगा, ये सिंबल उनका प्रसाद हमें बताता है। तो दोस्तों मजा आया ना? तो गणपति बप्पा हमें अपने अलग अलग चीजों से बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं। ये वीडियो को आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों में सबके साथ शेयर कीजिए, और गणपति बप्पा जो हमें कहना चाहते हैं वो जरूर सुनिए। फिर से एक बार कहते हैं, गणपति बप्पा मोर।